नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और बढ़ती हुई प्रॉब्लम की, जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिन्हें कि हम बड़ी आंतें भी कहते हैं, उसमें जो है इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी बहुत मेजर वजह होती है स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस। क्योंकि इसमें जब हम एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराते हैं, ज़्यादातर शुरुआती केसेस में कुछ और नहीं मिलता है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि इमोशनल और जो आपका वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन को कॉज कर रहा है इरिटेट होने में। क्योंकि ये पाया गया है कि जो हमारे स्टमक लाइनिंग में, हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे ब्रेन में कुछ सिमिलर सेल्स होते हैं, एंग्जाइटी भी इसका एक मेजर कॉज है। और दूसरा एक मेजर कॉज है वो है आपका इम्प्रॉपर डाइट पैटर्न। अब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, पेन होएगा, क्रैम्प्स होएंगे बेसिकली, ब्लोटिंग होएगी यानी कि बार बार गैस बनेगी इसमें बहुत ज़्यादा, बिना वजह लूज मोशन मिल सकते हैं, बिना वजह कब्जी हो सकती है या दोनों चीज़ें साथ में भी मिल सकती हैं। ये एकदम होने वाली बीमारी नहीं होती, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। यानी कि ये आप जैसे ही धीरे 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 इसे खींचने लगते हैं तो कई महीनों में, साल में जाके ये इस लेवल पर पहुंच जाती है कि एकदम से ठीक नहीं होती और आपको परेशान करती है। क्योंकि ये अगर जो होती रहेगी तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। क्योंकि अगर जो पेट नहीं ठीक होता या अच्छी तरह साफ नहीं होता तो बंदे का जो मन है वो लगता नहीं है किसी चीज़ में। तो दोस्तों, IBS में हमें कब सीरियस होने की ज़रूरत है, कब ध्यान देना चाहिए कि अब कि हमें खुद ट्रीटमेंट नहीं लेना है और डॉक्टर से मिलना है। अगर जो आपको प्रोमिनेंट वेट लॉस हो, अगर जो आपको अनीमिया होने लगे यानी कि खून की कमी होने लगे और जबकि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि जब आप स्टूल पास कर रहे हो या बिना स्टूल पास करे भी अगर जो नीचे से खून आने लगे। चौथी चीज़ है डायरिया, अगर जो आपको लगातार कहीं महीनों, छः महीनों, सालों तक लगातार दिन में 4 से 5 बार जाना पड़े और बिल्कुल लूज़ डायरिया आए, यानी कि बिल्कुल लूज़ स्टूल आए, यानी कि बिल्कुल भी कुछ ना पच रहा हो। पांचवी चीज़ जो सबसे मेजर है वो ये कि आपका पेन ना जाए। आप सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब पेट का दर्द ही नहीं जा रहा है, गैस पास करके देख ली, एंटी एसिडिक लेके देख ली, फिर भी जो पेट का दर्द है वो रिलीव होता ही नहीं है। तो आपको इमीडिएटली ये समझ जाना चाहिए कि आप IBS से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं और इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब हमें जो इसमें नेक्स्ट देखना है वो ये कि हमने इसे डाइटरी हैबिट्स ऐसी क्या चेंज करें कि IBS कम हो जाए। क्योंकि अगर जो IBS कंटिन्यूसली होता रहेगा तो ये आपकी सोशल और आपकी जो मेंटल लेवल है उस दोनों को हैम्पर करता है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिराता है और ये और ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो अब बात करते हैं हम डाइट की, क्योंकि डाइट जो है IBS के पेशेंट्स में, यानी कि उसको ठीक करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं आप जिस डाइट के बारे में बताने वाला हूँ वो एक इंटरनेशनल लेवल की सेट डाइट है, जो कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद नहीं कही है और उसे कहते हैं लो फूड मैप डाइट, जिसका कि लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, जो कि बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि IBS के पेशेंट्स को क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या आपको लेना चाहिए। तो बेसिक बात अगर जो हम शुरू करें तो आपने सबसे पहले फाइबर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जैसे कि हो गया लेटिस यानी कि पत्ता गोभी, खीरा ज़्यादा लेना है आपने, कुकुम्बर और ऐसी ही चीज़ें लेनी है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो है आपने पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया
या रसबेरी होगी, ये चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है एज़ कम्पेयर टू एप्पल और अदर फ्रूट्स। इसमें पूरा डिटेलिंग है कि क्या आप ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। वो इसलिए है कि ये देखा गया है कि जो इनसोल्यूबल जो हमारे सब्सटेंसेस फूड में होते हैं वो IBS को बढ़ाते हैं ज़्यादा, और हमें सोल्यूबल वालों पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो आपका पेट को ख़राब ना करके उसे नरिश करे। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या बिल्कुल मेजर बेसिस पर अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहले आते हैं, अगर जो आप क्रोनिक IBS के पेशेंट हैं तो आपने सबसे पहले कॉफ़ी, अल्कोहल, फ्राइड फूड और ज़्यादा मिर्ची वाला यानी कि स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए कि बाहर का तला हुआ ना खाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर खानों में जो ये स्ट्रीट फूड होता है उसमें अजीनोमोटो जैसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जैसे ये पैक्ड फूड होता है इसको भी बहुत अच्छे लेवल पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए ये तो आपने लेना ही नहीं है। और कोशिश कीजिए कि होममेड सूप्स जैसी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कई लोगों को मिल्क एलर्जी होती है, उन लोगों को पता नहीं होता है, तो वो भी IBS का एक मेजर कॉज बन जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करने हैं। रादर आपने अगर जो मिल्क लेना है तो अब नया जो मार्केट में इंडिया में भी बहुत कॉमन होने लगा है जैसे आलमंड मिल्क हो गया या कोकोनट मिल्क हो गया, कोशिश करना है अगर जो पॉसिबल हो तो उस पर शिफ्ट होना है। नहीं तो सोया मिल्क भी जो है काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है। अब दोस्तों अब मैं वो बताने वाला हूँ जो शायद आपने ऐसे नाम ना सुने हो कि मैंने जो मदर टिंचर्स कुछ ढूंढे हैं आप लोगों के लिए जो आप खुद से भी ले सकते हैं या ना अवेलेबल हो तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं IBS में। यहाँ तक कि मैंने इनका एक कॉम्बिनेशन भी बनाया हुआ है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत कम टाइम में आपको इन प्रॉब्लम से हेल्प करता है ट्रीट करने में। उसमें सबसे पहली मेडिसन है ओलिबेनम, दूसरी है सिकोरियम इंटिबस, तीसरी है यूजीनिया जम्बोसा, चौथी है ओपुंटिया वल्गैरिस और पांचवी है कमाला। तो दोस्तों ये पांच मेडिसन्स बहुत ज़्यादा मैंने अपनी रिसर्च स्टडीज़ में देखा है पेट के लिए बहुत अच्छी है और इफ़ेक्टिव है। अगर जो ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर जो आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हो या हमसे कोई क्वेरी लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी मैसेज में भी हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।